बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग फोबिया के बारे में, ड्राइविंग फियर के बारे में, एक्सीडेंट फियर के बारे में कि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो ये हो जाएगा, मेरी गाड़ी कहीं लग जाएगी, मेरे साथ ये वाकयात पेश आ जाएंगे। एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से मैंने फोर्थ क्लास में बाइक चलाना सीख ली थी और फिफ्थ क्लास में गाड़ी चलाना सीख ली थी विदाउट एनी ड्राइवर। मैंने किसी की ड्राइविंग की इंस्ट्रक्शंस से नहीं सीखी। मेरे दोस्त के अबू के पास गाड़ी थी, तो जब वो कभी हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो मैं देखता रहता था उन्हें कि ये क्या क्या चीज़ें करते हैं। और फिर मेरा दोस्त जो था उसको भी ड्राइविंग आती थी। हम बड़े छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब हम ड्राइविंग पे निकल जाते थे अपने दोस्त के अबू की गाड़ी ले कर ना, तो वो चलाता था। एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि यार तो चल यार आज तू चला। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है मैं चलाता हूँ। मुझे बस ये पता था कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, दैट्स इट। और गियर कैसे डलता है उसने बताया हुआ था मुझे। मैंने अल्लाह का नाम लेके चलाना शुरू कर दिया और लिटरली मैं और बाई चांस मैंने बिल्कुल ठीक चलाई, क्योंकि गाड़ी एकदम नहीं आती, ये प्रैक्टिस करने से आती है। तो मैंने बिल्कुल ठीक चलाई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। मैंने ग्राउंड के चक्कर काटने शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद मैं मेन रोड पे भी लेके निकल गया। मेन रोड इन अ सेंस कोई बहुत बड़ा रोड नहीं था, छोटा सा रोड था जो हमारे ऐसे वन वे ही था। उस पर मैंने चलाना शुरू कर दी। मैंने कहा जी लो जी मुझे गाड़ी भी आ गई। हालांकि मेरे पाँव भी ठीक से उधर नहीं पहुंचते थे, लेकिन मैं एडजस्ट कर गया उन चीज़ों को। मैंने चलाना शुरू कर दी और उसके बाद हम गाहे बगाहे संडे को लेके निकल जाते थे और मैं ड्राइविंग भी करता था, मेरा दोस्त भी करता था, हम लोग निकल जाते थे दोस्त वगैरह लेके ना गाड़ी। अब जब उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। जैसे ही मैंने 2010 की बात है, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो मैं जब गाड़ी चलाता था ना उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता था। और मैं एंजाइटी मेरी इस लेवल की थी कि हर चीज़ को पकड़ के ना एसोसिएट हो जाती थी। अगर मैं कोई खाना खाता था तो उसमें भी एंजाइटी थी। नॉर्मली अगर आप ये समझे ना कि यार ये कैसा बंदा जो जो भी बात करो इसको ये चीज़ हुई होती है, ऐसा नहीं होता। जो भी बंदा एंजाइटी में है ना, वो इस चीज़ को बेटरली जानता है कि जब आप चीज़ों को लिंक करते हैं ना तो चीज़ें आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हुए होते हो कि छोटी छोटी चीज़ को सोचते हो कि यार ये कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो मेरा भी यही था। 2010 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब रोड पे लेके गाड़ी निकलता था बड़ा पैनिक होके निकलता था, डर के निकलता। एक दिन मेरे अंदर ना एक्सीडेंट का फोबिया बैठ गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँगा तो मेरे सामने कोई आएगा, मैं उसे टक्कर मारूँगा और वो मर जाएगा और मैं क्या करूँगा फिर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक थी कि हमारी रीज़न जो थी वो ये थी कि हमारे घर के पास ना एक आंटी रहती थी। वो आंटी तकरीबन 80 प्लस की थी। वो जब रोड पे निकलती ना वो बड़ा रोड आराम आराम से क्रॉस करती थी और मेरे जेहन में ये बेसिक फियर वहाँ से बैठा था कि मैं यही सोचता था कि यार ये आंटी एक दिन होगा ऐसे आएंगी ये रोड से और मैं स्पीड में आ रहा हूँगा, ये आंटी के टक्कर हो गई तो इनके अंदर तो इतनी जान भी नहीं है कि ये उस टक्कर को बर्दाश्त कर सके, तो ये खुदा ना खासा मर जाएंगी और जो लोग होंगे वो सारे आएंगे मेरे पास, वो पकड़ेंगे मुझे और मुझे जेल में ले जाएंगे। मेरे यही माइंड में चलता रहता था। इस एक थॉट ने मेरी ड्राइविंग ख़त्म कर दी। मैं ड्राइविंग सीट पे जब भी बैठता था मैं पैनिक हो जाता था, ब्रेन फॉग हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यार ब्रेक की जगह ना रेस दे देता था और गियर फंसा देता था अक्सर। बाज़ार में जाता था तो इतना पैनिक हो जाता था, वहाँ जाके एक ही ख्याल आता कि यार एक वक्त आएगा मैं ब्रेक की बजाय रेस में पांव रख दूंगा और गाड़ी तेज़ हो जाएगी, शूटर हो जाएगी, सारे लोगों को नीचे दे के निकल जाएगी। हालांकि पता नहीं था भाई छोटी गाड़ी है मेरे पास, वो तो किसी बंदे को नीचे भी नहीं दे सकती, अल्लाह ना करे कभी कोई आए। लेकिन एक थॉट था, एक ख्याल था और ये चीज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अब ये डर इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैंने ज़रा से रोड पे निकल लेके गाड़ी निकलना ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ठोक देनी। अब जब घर से रिवर्स करनी, अपने गैराज से रिवर्स करके निकालनी पीछे, तो पीछे दीवार थी, सिंपल दीवार में जाके गाड़ी मार दे। मेरी बैक लाइट्स जो थी वो बहुत बार टूटी, पीछे वाली गाड़ी का हिस्सा जो है वो अक्सर लग जाता और जो साइड टर्न करते हुए अक्सर साइडें लग जाती। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं करता क्या हूँ। तो मैंने 2015 में गाड़ी चलाना छोड़ दी। मैंने कहा भाई बस मैं अब ड्राइविंग नहीं करूँगा। वो मुझसे होती नहीं थी, किसी रोड पर जाना है तो पहले ही मैंने पैनिक हो जाना है, भाई मैं नहीं चला सकता, तुम चलाओ गाड़ी। करते करते ना
2015 का लास्ट था मुझे याद है, मैंने गाड़ी दे दी, मैंने कहा जी मैं नहीं अब गाड़ी चलाऊंगा। 2015 से लेकर 2019 तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। अब ज़ेहन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, ज़रूरत है ना, ये आप इसके बगैर जो है वो जो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते वो कैसे सर्वाइव करेंगे, यानी कि सर्वाइव इन अ सेंस कि जिनका ये एक बहुत बेसिक ज़रूरत बन चुकी है ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। ट्रैवलिंग जो है कुछ लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेरा ट्रैवलिंग का ही ज़्यादा काम था, मुझे इधर से उधर जाना, तो बाइक मैं नॉर्मली बहुत कम इस्तेमाल करता था। लेकिन अब मुझे 4 साल सिर्फ बाइक चलानी थी और बाइक पे भी फोबिया था, तो मैंने ना 2019 में इस चीज़ को पकड़ लिया कि यार अब मैंने, जब मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था ना, फिर 2019 में मैंने इस चीज़ को देखा कि मेरा वीक पॉइंट है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता। अभी मेरे बहुत से वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि मैं 110% हो गया, अभी बहुत से वीक पॉइंट है, मैंने उन पर काम करना है, लेकिन अभी नहीं। जिस पे काम किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। 2019 में मैंने देखा कि यार मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी हुई है और गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, कहीं फैमिली ने आउट ऑफ जो है वो सिटी जाना हो तो हमें लोकल पे जाना पड़ता है, बड़ी दुश्वारी होती है, बड़ा मुसीबत है, बड़ी मुसीबत में हम जी रहे हैं, गाड़ी भी अल्लाह ताला का एहसान है हमारे पास है, क्या किया जाए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपने आप को एक टाइम देता हूँ। नॉर्मली मैंने अपने आप को एक साल का टाइम दिया कि मैं एक साल के अंदर अपने इस फियर को भी कम करूँगा और कंट्रोल करूँगा कि मैं जिस जगह पे जाके पैनिक होता हूँ ना, मैं उस जगह पे जाके पैनिक ना हूँ। एक वक्त था कि मैं स्टेयरिंग का सोचता ही था ना तो मैं पैनिक हो जाता था कि स्टेयरिंग ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये घूम जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, बड़े सवाल थे जो चलते थे। करते 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 2019 में मैं बैठा, मुझे याद है कि मैंने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की कि यार एक वो आंटी का ख्याल आता है कि वो खाला जी जो हैं वो सामने आएंगी, गाड़ी बजेगी, मर जाएंगी, वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो उनके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो माइंड में मैं जब देखा, आंखें बंद की, तो वो पूरे एक विजुअल्स थे मेरे माइंड में। दूसरी चीज़, मैं रोड पर जा रहा हूँ, ये दूसरे विजुअल की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं रोड पर जा रहा हूँ, स्पीड में जा रहा हूँ, मेरी ब्रेक नहीं लगेगी और मैं ब्रेक की जगह ना रेस बढ़ा दूंगा, और रेस बढ़ा दूंगा तो सामने आने वाले जितने होंगे वो कुचले जाएंगे। जो कि छोटी गाड़ी में, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हुआ हो, उसमें इतनी नहीं होती कि वो किसी को कुचल सके, किसी आदमी को तो खास करके वो नहीं कुचल सकती। कोई छोटा बच्चा वगैरह हो, अल्लाह ना करे कभी वो सामने आ जाए तो फिर थोड़ा होता है, लेकिन जो बड़ा आदमी हो उस पर तो सिर्फ एक्सीडेंट का खतरा होता है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बंदा डर जाए। और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, मैं बड़ी एक्सट्रीम पे चलाया था। इसी तरह मैं ये भी सोचता था कि जब मैं गाड़ी रिवर्स करूँगा तो मेरे से कंट्रोल नहीं होगी, हैंड ब्रेक नहीं लगेगी, गाड़ी पीछे अगर दीवार के साथ लगेगी और पीछे से मेरी सारी जो है ना वो गाड़ी पीछे बैक साइड जो है वो ख़राब हो जाएगी उसकी, और साइडें उसकी सारी, ये बड़े बुरे बुरे इमेजेस थे जो मैंने दिमाग में बनाए हुए थे। इसके अलावा मैं सोचता था कि जब मैं लॉन्ग ड्राइविंग पे जाऊँगा गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी। इसके अलावा एक ख्याल ये भी आता था कि जब मैं मेन रोड पे जाऊंगा, किसी रश वाली जगह पे जाऊंगा, तो अगर मुझे गाड़ी बंद होगी तो वहां तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार ये कैसा आदमी है, इसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। ये बड़े ख्याल थे, ये सारे ख्याल मैंने लिखे, ये वही ख्याल थे जो मैंने लिखे हुए थे, वही मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये कौन कौन से ख्याल थे। अब मैंने एक विजुलाइजेशंस की, ये विजुलाइजेशंस मैंने वीडियोस में बताई हुई है कि विजुलाइजेशन का बेसिक मेथड क्या है। तो मैंने इस स्पेसिफिक इस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या किया, मैं आपको वो जो है वो विजुलाइजेशंस ना सिर्फ करना सिखाऊंगा बल्कि करके दिखाऊंगा। मुझे जो बेसिक फियर था वो आंटी का था, वो जो ओल्ड एक आंटी थी, उनका ये था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, बिल्कुल छोटे छोटे उनके बाजू थे, हाथ थे, कमज़ोर सी वो थी, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो मैं यही सोचता था कि जब ये सामने आएंगी ना, मेरे जो माइंड में विजुअल था वो ये था कि बेसिकली मैं देखता था कि वो एक दिन स्टिक के साथ वो चलती थी, वो स्टिक के साथ रोड क्रॉस कर रही होंगी, मेरी गाड़ी आएगी, गाड़ी उनको हिट करेगी, वो जाके उधर गिरेंगी और उनके सामने एक दुकान वाला है, इधर भी एक दुकान वाला है, वो सारे लोग आएंगे बाज़ार वाले, वो इकट्ठे होंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे पहले तो मारेंगे, बाद में थाने ले जाएंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। ये जो विजुअल था मेरे माइंड में चिपका हुआ था। अब मैंने इसके लिए कौन सी विजुअलाइजेशन की वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने सबसे पहली जो बेसिक विजुअलाइजेशन थी उससे स्टार्ट किया, आंखें बंद की, नाक से सांस लिया और नाक से छोड़ दिया। माइंड में जो भी विजुअल्स थे उसके, उन सब विजुअल्स को इकट्ठा किया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। अब मैंने उस पूरे विजुअल को देख रहा हूँ,
इधर आंटी खड़ी है, इधर मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी ऐसे आ रही है, आंटी ऐसे आगे आ रही है, मैंने यहाँ सोचा है, मैंने यहाँ ला के ना ब्रेक मारी है और आंटी को रास्ता दे दिया है, आंटी गुजर गई हैं, आंटी गुजर गई हैं और मैं आगे चला गया। मैं उस जगह जहाँ स्टक हुआ था ना, मैंने उसको रिजॉल्व करना सीख लिया। फिर अगेन मैं यही विजुलाइजेशन दोबारा करता, एक दिन में 5, 5, 10, 10 बार मैं विजुलाइजेशन यही करता कि मैं सोचता, आंखें बंद करता, मुस्कुराते चेहरे के साथ, मैं आंटी यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी यहाँ ऐसे 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 आ रही है, आंटी सामने आ गई है मेरी गाड़ी के, मैंने ब्रेक मार ली है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंटी को कहा आंटी आप गुजर जाएं, आंटी गुजर गई हैं, मैं गाड़ी लेके आगे गुजर गया हूँ। ऐसे करते 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 विद इन अ फ्यू डेज़ मेरा वो आंटी का फियर बहुत कम हो गया। फिर जो दूसरा बाज़ार वाला था उसके साथ भी ऐसे मैंने किया, मैंने पहले उस पूरे इमेज को इकट्ठा किया, आँखों के सामने लाया। अभी भी मेरे वो सामने है बाय द वे कि मेरी आंखें जब बंद होती है ना तो मैं उस इमेज को अभी भी देख पाता हूँ। वो इमेज ये था कि कुछ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 50-60 लोग हैं जो इधर उधर चल रहे हैं और मैं बाज़ार से गुजर रहा हूँ। अब जब मैं बाज़ार से गुजर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं, मैं आगे हल्की सी बेल भी दे रहा हूँ साथ, पी 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 कर रहा हूँ, तो लोग आगे से गुजर रहे हैं, कोई आगे रास्ता दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। एकदम मैं ब्रेक की बजाय ना रेस पे पांव दे देता हूँ तो वो गाड़ी एकदम आगे जाती है। लेकिन मैंने इस विजुलाइजेशन को जब किया, मैंने चेंज किया कि अब मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ किया और मैं उस रोड से गुजर रहा हूँ, मैं उस रोड से गुजर रहा हूँ, उस बाज़ार से गुजर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गुजर रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, गुजर गया हूँ, गुजर गया हूँ, मैं गुजर गया। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये भी विजुलाइजेशन कुछ दिन की तो इसका भी जो है वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। इसके बाद एक जो डर ये भी था कि मेरा जो है वो ये होगा कि मेरे से एकदम ब्रेक नहीं लगेगी, उसका भी यही था कि मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ, कोई एकदम सामने आ जाएगा तो ब्रेक नहीं लगेगी, उसकी भी विजुलाइजेशन मैंने ऐसे ही की। ये 3-4 विजुलाइजेशंस थी मेरी जिनको मैंने किया। तो फिर मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, मैंने 2020 में दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रा भी पैनिक हुए बगैर गाड़ी चलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन लोगों को भी ये फियर है ना, ये फोबिया है, वो ये सिर्फ एक सिंपल विजुलाइजेशन से अपने माइंड में, जो बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या थी, इसके पीछे साइंस ये थी कि जो हमारा दिमाग है वो विजुअल्स पे काम करता है। माइंड ने कुछ ऐसे फियर बेस्ड विजुअल्स क्रिएट कर दिए थे जो मुझे डिसीजंस करने में परेशानी दे रहे थे, मुझे इनिशिएटिव लेने में परेशानी दे रहे थे, मुझे उस जगह पे जाके पैनिक कर रहे थे, तो मुझे उनको बदलना था। अब उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए मुझे विजुलाइजेशंस का सहारा लेना था, मैंने उन विजुलाइजेशंस का सहारा लिया, मैंने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। देखिए आप जब जिस जगह पे जाके पैनिक होते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 10 सवालों की शीट आई है, एक पेपर आया जिसमें 10 सवाल हैं, अगर तो आपके पास उन 10 सवालों का जवाब आता होगा ना, तो आप ब्रेन फॉग में भी होंगे, पैनिक भी होंगे ना, तो आप लिख लेंगे, मतलब आपकी अगर प्रैक्टिस होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना और आपको वो 10 सवालों में से 2 के भी जवाब आते हैं और बाकी 8 के नहीं आते, तो आप 8 को लेके पैनिक होंगे ना, तो बाकी 2 भी भूल जाएंगे। क्योंकि डर जो है ना, उसका एक अलग ही इमेज हमारे माइंड में बनता है, और वो जो डर होता है वो हर अच्छे इमेज को ख़त्म कर देता है, गायब कर देता है। सो बेटर इज दिस कि प्रैक्टिस करें, आप अपनी विजुलाइजेशंस एक डिज़ाइन करें कि यार ये चीज़ें मेरी वीक हैं, इनको वीकर होने से बचाएं, इनको स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लाएं, स्ट्रॉन्ग करें, मेहनत करें, एफर्ट करें, यार खुद पे टाइम लगाएं। ट्रेन योर ब्रेन का बेसिकली यही तो एक मकसद है कि यार मैं आपको बता सकूं कि आपने अपने माइंड को बदलना कैसे है, आपने चीज़ों को अच्छे से बहुत अच्छा कैसे करना है और बुरे से अच्छा कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सिंपल सी विजुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो आप भी इस फियर से, इस फोबिया से निकल के बाहर आ जाएंगे। बाकी यही कोशिश करें कि जब भी आप ड्राइविंग करें, अपने साथ जो आपकी फैमिली में सबसे पॉजिटिव इंसान है उसको बिठाएं, नॉर्मल रूटीन में वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अपना सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा करें, खाना पीना ठीक करें, टाइम पे आप सोएं, टाइम पे उठें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह पे यकीन रख के चलें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत आगे जाके बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वक्त के साथ साथ बेहतर होगा कि आप इसको क्योर करना सीखें, आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करना सीखें। जो आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।